भाजपा द्वारा 12 अप्रैल को सामूहिक उपवास घोषित किए जाने के बाद राजस्थान में भी जिला स्तर पर भाजपा सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने उपवास में हिस्सा लिया। भाजपा का कहना है कि देश में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से संसद में गतिरोध उत्पन्न किया, जिससे न सिर्फ संसद का समय बर्बाद हुआ बल्कि जनहित में होने वाले निर्णयों को रोकने का कार्य किया। इसके विरोध में भाजपा ने एक दिन का सामूहिक उपवास रखने का निर्णय लिया है। भाजपा के पूरे देश में 2000 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने सामूहिक उपवास रखा। भाजपा का कहना है कि विपक्ष द्वारा संसद सत्र में गतिरोध किए जाने के चलते उसके विरोध में यह उपवास किया गया है। उनका आरोप है कि इससे न सिर्फ संसद का समय बर्बाद हुआ बल्कि अनेकों आम जन से जुड़ी योजनाओं पर भी निर्णय नहीं हो पाया। इसके विरोध में देश भर में सामूहिक उपवास का निर्णय रखा गया है। इसी कड़ी में अलवर में शहीद स्मारक पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कालीचरण सराफ, हेम सिंह भड़ाना, विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बनवारीलाल सिंगल, रामहेत यादव, जयराम जाटव सहित जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, संगठन प्रभारी डॉक्टर अखिल शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री संजय नरूका, पंडित जले सिंह, आनंद बेनीवाल सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, विपक्ष ने जिस तरीके से संसद में गतिरोध पैदा किया और संसद नहीं चलने दी, हंगामा किया, करोड़ों रुपए देश की जनता के खर्च हुए और उसके बाद भी संसद नहीं चली और जो काम होना चाहिए था संसद में वो नहीं हुआ, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राष्ट्रीय स्तर पर हर संसदीय क्षेत्र में इसके खिलाफ उपवास किया जाए। और आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद और प्रदेश के सभी मंत्री विभिन्न स्थानों पर इसके खिलाफ उपवास पर बैठे हैं। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा को बाधित किया कांग्रेस ने और जनता का पैसा का दुरुपयोग किया, चलने नहीं दिया, और जहां आम जन की जन समस्याओं उठाने का काम लोकसभा में होना चाहिए था बल्कि लोकसभा को चलने नहीं दिया, उसके विरोध में हमारी संपूर्ण पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर केंद्र तक सब आज 10 से लेकर 5 बजे तक सामूहिक उपवास पर ये संदेश जनता में देना चाहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी संवैधानिक सरकार में विघ्न डालने का काम कांग्रेस जो कर रही है उसके खिलाफ आज ये उपवास रखा जा रहा है। संसद के बजटकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के द्वारा भारत सरकार के जनता के धन के दुरुपयोग और संसदीय परंपराओं के उल्लंघन और मर्यादा और आचरण की जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, संसद को चलने नहीं दिया है, उसके विरोध में जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी सहित प्रदेश के हमारे सारे नेता, हमारे अलवर जिले के सब नेता आज अनशन पर 10 बजे से 5 बजे तक बैठे हुए हैं। उधर कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उन्होंने पार्लियामेंट चलाने के तरीके पर वाजपेयी सरकार की तारीफ की और उपवास पर पायलट बोले, उन्होंने राहुल गांधी के उपवास के बाद इसको नकल किया है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अब रास्ता भटक चुके हैं। एक तरफ तो हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, विपक्ष को आरोपी बनाते रहे, सारा दोष कांग्रेस पर डालते रहे। हम लोगों ने अहिंसा के लिए, सामाजिक एकता के लिए उपवास रखा। अब देखा देखी भाजपा के नेता भी उस काम को कर रहे हैं और बहाना ले रहे हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके पूर्व एलआई लेकर आए, टीडीपी लेकर आई, उनको मनाने में नाकामयाब रहे। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती, पार्लियामेंट चला नहीं पाए। एक ज़माना था
जब भाजपा के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सहजता से पार्लियामेंट को चलाते थे, एनडीए को चलाते थे, देश को चलाते थे, आज टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, लॉक जैम हो रहा है, हिंसा भड़क रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है और अब एक तरह का पाखंड किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने उपवास रखा तो भाजपा को उपवास रखने की याद आ गई है, लेकिन ये देखा देखी कि जो डुप्लीकेट राजनीति है इसका बहुत लंबा अस्तित्व नहीं रहेगा और बहुत जल्द ना सिर्फ अलग अलग राज्यों में लेकिन देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।